हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं ज्ञानी रीच। आज मैं आपको Redmi K20 और Redmi K20 Pro के कैमरा के कुछ डिटेल फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही में Redmi K20 Pro के कुछ कैमरा के फोटोज के सैंपल्स भी दिखाऊंगा और वीडियो के कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फीचर्स में आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहले कैमरा मोड्स की। लेकिन कैमरा मोड्स की बात करें उससे पहले कुछ फीचर्स है जिसको एनेबल कर देना जरूरी है। जैसे कि ऊपर इधर HDR का ऑप्शन दिख रहा है, तो HDR का ऑप्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट Redmi K20 सीरीज में ऑटो मोड पे रहता है। अगर आपके मोबाइल में बाई चांस ऑफ पे है तो इसे ऑटो मोड पे सेट कर दीजिए। इसके बाद में जो ऑप्शन दिख रहा है वो है AI का ऑप्शन। अगर आपको ज़्यादा पंची कलर वाले या फिर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर वाले फोटो पसंद है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। मुझे ज़्यादा पंची कलर वाले फ़ोटो पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद में जो ऑप्शन दिया गया है वो है ब्यूटी मोड का ऑप्शन। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर कुछ फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप कोई भी मनचाहा फिल्टर इधर से सेट कर सकते हैं। इसके बाजू में ब्यूटी मोड का ऑप्शन है, इसमें आप इधर स्क्रॉल बार दी गई है उससे आप इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि बॉडी का ऑप्शन है, लेग्स है, हेड्स है, उसमें से आप सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो फ्लैश का ऑप्शन, तो इसमें आप ऑटो मोड में भी रख सकते हैं या तो ऑन भी रख सकते हैं या तो इसको टॉर्च के रूप में ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं। ये तो बात हो गई कुछ फीचर्स की। अब बात करते हैं फोटो मोड्स की। अभी जो इधर आपको तीन डॉट दिख रहे हैं इसमें इधर देखो 1x लिखा हुआ है। 1x यानी ये अभी 48 मेगापिक्सल का कैमरा ये भी यूज़ कर रहा है। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो टेलीफोटो लेंस यूज़ करेगा, यानी कि 8 मेगापिक्सल वाला। दोबारा इसके ऊपर वापस मैं क्लिक करूँगा तो वो अल्ट्रा वाइड मोड पर चला जाएगा। अभी ये प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। इसकी खास बात ये है कि AI मोड से आपको एक ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन से फ़ोटो में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करना है या तो टेलीफोटो लेंस यूज़ करना है। वो ऑटोमेटिकली आपको AI की मदद से वो बता देता है, तो ये फीचर इसका बहुत बढ़िया है। अभी बात करते हैं हम इसके बाजू वाले ऑप्शन की। तो इसमें बाजू वाला ऑप्शन है वो है 48 मेगापिक्सल का। 48 मेगापिक्सल का कैमरा में एज यूजल आप 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इधर HDR का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें HDR का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है और साथ ही में इसमें AI का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन ज़रूर इसमें आप फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, तो इसलिए आप इससे भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाजू में पोर्ट्रेट मोड है। अभी पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट जो Redmi K20 सीरीज है वो टेलीफोटो लेंस यूज़ करता है, लेकिन इसमें आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको एक ऊपर आदमी का लोगो दिखाई दे रहा है। अभी इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे इधर फुल बॉडी मोड ऑन हो गया है, तो इसमें वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहा है। इसमें भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि इधर पहला ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी इधर से इफेक्ट पोर्ट्रेट मोड में आप डाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप ब्यूटी इफेक्ट को आप टॉगल करके सेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें भी आपको AI का भी ऑप्शन मिल रहा है, इसमें भी आप पंची कलर वाले फ़ोटो ले सकते हैं। ये जो बीच वाला ऑप्शन है ये बैकग्राउंड के ब्लर को कम या ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। इसमें आप F1.0 से लेके F16 तक आप बैकग्राउंड का ब्लर सेट कर सकते हैं। ये iPhone इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं इसके बाजू वाले मोड की, जो कि है नाइट मोड। ये जो नाइट मोड है वो गूगल के नाइट साइट जितना बेहतरीन तो नहीं होगा, लेकिन आप इसमें नॉर्मल जो फोटो खींचते हैं उससे काफ़ी बेहतरीन है। इसमें देखो इधर 1x दिया गया है, यानी कि ये अभी 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो टेलीफोटो लेंस यूज़ करेगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वापस 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहा है, यानी नाइट मोड में आप या तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं या तो टेलीफोटो लेंस यूज़ करते हैं। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, दूसरा उसमें कुछ सेटिंग या ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाजू वाले मोड की, यानी पैनोरामा मोड की। तो पैनोरामा मोड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आप पैनोरामा मोड से एक लंबी फ़ोटो खींचना चाहते हो तो वो खींच सकते हो। इसके बाजू में जो ऑप्शन मिल रहा है वो है प्रो मोड का ऑप्शन। अभी प्रो मोड में आप मैन्युअली इधर से वाइट बैलेंस या फिर ब्राइटनेस वगैरह कुछ सेट कर सकते हैं। बाद में फोकस की स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं, शटर स्पीड सेट कर सकते हैं,
या ISO को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, इधर आप देख सकते हैं लेंस में अभी ये टेलीफोटो लेंस यूज हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अल्ट्रा वाइड पे चला जाएगा, वापस क्लिक करूंगा तो वाइड एंगल पे चला जाएगा, यानी कि इसमें प्रो मोड में आप तीनों का तीनों लेंस यूज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये हर कोई मोबाइल में नहीं मिलेगा ऑप्शन, ये Redmi K20 सीरीज में आप तीनों का तीनों कैमरा आप प्रो मोड में यूज कर सकते हैं। दूसरा इधर ऑप्शन की बात करें तो इधर ऊपर फ्लैश का भी सपोर्ट मिल रहा है आपको प्रो मोड में, और इधर देख सकते हैं आप इधर 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे बाद में आप इसमें 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकते हो, वो भी प्रो मोड में। ये जो ऑप्शन है इसमें आप सेंटर वाइड, फ्रेम एवरेज या फिर स्पॉट मेट्रिक में भी आप रख सकते हो। इसमें भी आपको फिल्टर्स का कोई इफेक्ट दिया गया है तो वो भी आप इसमें प्रो मोड में आप सेट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई फोटो मोड्स की, आइए अब जान लेते हैं वीडियो मोड्स के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट वीडियो मोड हमेशा फुल एचडी पे रहता है Redmi K20 सीरीज में। अगर आप चाहो तो इधर से आप इसको सेट कर सकते हो। अभी जो वीडियो शूटिंग हो रही है, मैं जो कर रहा हूँ वीडियो शूट इसमें मेरे मोबाइल में, वो मैं एचडी क्वालिटी में कर रहा हूँ। आप इधर देख सकते हो कि इधर 720p 30fps लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो फुल एचडी में रिकॉर्ड करेगा, दोबारा क्लिक करोगे तो वो फुल एचडी में करेगा लेकिन 60fps पे, वापस क्लिक करोगे तो 4K 30fps पे और उसके बाद 4K 60fps पे, यानी कि आप Redmi K20 Pro में एचडी से लेके 4K तक की शूटिंग कर सकते हो, वो भी 60fps तक। लेकिन Redmi K20 जो मोबाइल है उसमें आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो लेकिन 30fps तक, इसमें प्रो मोड में आप 60fps तक की रिकॉर्ड कर सकते हो, तो एक अच्छी बात है। इसमें दूसरा एक ऑप्शन इधर दिखाई दे रहा है वो है टाइम लैप्स, यानी आप इसमें हाइपरलैप्स भी यूज कर सकते हो। इसमें आप वीडियो में इधर तीनों का तीनों कैमरा दिख रहा है, इधर 1x 2x और 0.6x, यानी तीनों कैमरा से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वो ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी पार्टिकुलर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है तो इसको आप ऊपर ऑन कर दीजिए तो वो उसको ही फोकस करेगा। इसमें भी आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप टॉर्च के रूप में भी फुल टाइम ऑन रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाजू वाले मोड की। इसके बाजू में आपको मिल रहा है शॉर्ट वीडियो, इस शॉर्ट वीडियो में आप मैक्सिमम 15 सेकंड तक का वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपको टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना हो या फिर इंस्टाग्राम के लिए कुछ छोटा छोटा वीडियो बनाना हो तो इसकी मदद से आप ये वीडियो बना सकते हो। इसमें आप इधर देख सकते हो कि आप म्यूजिक भी इसमें डाल सकते हो, जैसे कि आप टिकटॉक में वीडियो बनाते वक्त आप म्यूजिक डालते हो तो एक अच्छी बात है। इसमें आप टिकटॉक की तरह इसमें भी इफेक्ट डाल सकते हो, इसमें भी डिफरेंट टाइप की इफेक्ट दी गई है, तो ये प्लस पॉइंट है Redmi K20 का। बाद में इधर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि ब्यूटी के लिए है। इसमें भी आपको फिल्टर के मोड मिल रहे हैं, इसमें से भी आप सेट कर सकते हो शॉर्ट वीडियो में। और इधर ब्यूटी में इधर आप स्क्रॉल बार की मदद से आप इसको इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा मीडियम पे रहता है लेकिन आप चाहो तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। मुझे ज़्यादा ब्यूटी मोड वाले फ़ोटो पसंद नहीं आते हैं इसलिए मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ। अब इसके बाजू में जो और एक ऑप्शन है वो मैं बताना भूल गया, ये जो इधर रेगुलर है अभी आप इसमें फास्ट स्पीड से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सुपर फास्ट स्पीड का ऑप्शन भी है, स्लो मोशन में भी कर सकते हो और सुपर स्लो मोशन में भी आप इधर वीडियो शूटिंग कर सकते हो। तो ये इसमें शॉर्ट वीडियो में ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है। इसके बाजू में जो ऑप्शन है वो है स्लो मोशन का ऑप्शन। अभी स्लो मोशन में आपको 960fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बाद 120fps और 240fps, यानी कि तीन मोड मिल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर यही करूँगा कि आप 120fps या फिर 240fps पे ही स्लो मोशन की वीडियो शूटिंग करें, क्योंकि 960fps पे जब भी आप वीडियो शूटिंग करोगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 120fps पे या 240fps पे वीडियो शूटिंग करें। तो ये तो हो गई वीडियो शूटिंग के बाद, वीडियो मोड में सब ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। इधर आपको सेटिंग्स में जाके इसके कुछ ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है इधर सेव लोकेशन को। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप जब भी आप वीडियो शूटिंग या फोटो खींचोगे तो उसमें आप आपकी लोकेशन की डिटेल डालना चाहते हो तो इसको ऑन कर दो। दूसरा ऑप्शन है वो है कैमरा साउंड का ऑप्शन। ये ऑप्शन हर मोबाइल में नहीं मिलेगा लेकिन Redmi K20 Pro में इधर दिया गया है। इसको आप ऑफ कर दोगे तो आप जैसे ही फोटो क्लिक करते हो तो सब मोबाइल में क्या होता है कि एक साउंड आता है क्लिक करते वक्त, इसको आप ऑफ कर सकते हो चाहो तो एक अच्छा ऑप्शन है। बाद में दिया गया ऑप्शन है वो है पॉकेट मोड। अभी पॉकेट मोड को जैसे ऑन करते हो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप पॉकेट में मोबाइल डालोगे अपने जेब में तो ऑटोमेटिकली उसका कैमरा जो है वो ओपन नहीं होगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है सेव प्रीवियस मोड। यदि आप
कोई भी एक मोड पे ज़्यादा टाइम शूटिंग करते हो, पोर्ट्रेट मोड पे ज़्यादा शूटिंग करते हो, या फिर 14 मेगापिक्सल के कैमरा का लेंस ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप इधर से इसको ऑन कर दोगे तो जब भी आप कैमरा से एग्जिट हो रहे हो और बाद में वापस कैमरा में रिटर्न एंटर हो रहे हो तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, वही मोड से स्टार्ट होगा। तो ये भी एक इसकी खास बात है। बाद में इधर दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो मिरर फोटो का एज यूजुअल, बाद में इमेज स्टेबलाइजेशन, ये भी एक फीचर ऐसा है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है। अभी इमेज स्टेबलाइजर है उसमें EIS है, वो आपको वीडियो शूटिंग में जो वीडियो का ऑप्शन है उसमें 30 FPS तक की वीडियो शूटिंग में ही आप EIS का इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 FPS पे आप EIS का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बाद में चाहे आप 4K में रिकॉर्डिंग करें या HD में रिकॉर्डिंग करें, लेकिन 30 FPS तक ही EIS सपोर्ट है। इसके नीचे का जो ऑप्शन है वो है वीडियो एनकोडर। अभी इसमें आप दो ऑप्शन मिल रहे हैं इधर, पहला ऑप्शन है वो है H.264 और दूसरा ऑप्शन है वो है H.265। अगर आपको फाइल की साइज़ कम करनी हो तो आप H.265 पे रिकॉर्ड करें, लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है कि आपका जो पुराना कंप्यूटर होगा या लैपटॉप पुराना होगा तो इसके ऊपर वो ये एनकोडर का ऑप्शन काम नहीं करेगा, यानी कि वो सपोर्ट नहीं करेगा फाइल। उसके लिए आपको फिर से कन्वर्टर लेना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कंप्यूटर में, बाद में जाके वो फाइल सपोर्ट करेगी। मैं तो हमेशा ये प्रिफर करूँगा कि आप H.264 पे ही रिकॉर्ड करें। बाद में इधर टाइमलेस का भी इंटरवल दिया गया है, इसमें से आप जैसे चाहे स्पीड पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में वॉल्यूम बटन फंक्शन भी दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल आप शटर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं या फिर जूम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर वॉल्यूम के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, जैसे चाहे इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेटिंग्स की, अब बात कर लेते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। रेडमी K20 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। जैसे आप सेल्फी कैमरा के लिए ऑन करोगे इधर तो कुछ साउंड आ रही है, आप देख सकते हैं इधर। मैं जैसे इसको सेल्फी कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ तो इधर एक लाइट का इफेक्ट आ रहा है और साउंड भी साथ में आ रही है। तो ये इफेक्ट के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, लेकिन ये सेटिंग्स आपको कैमरा मोड में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। बाद में फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद इधर स्पेशल फीचर्स दिया गया है उसमें जाना पड़ेगा, और फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स इसमें जाना पड़ेगा। इधर से आप मन चाहे इसमें थीम सेट कर सकते हो और साउंड भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको आप इधर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको ऑफ कर दोगे तो आवाज़ और साउंड, आवाज़ और लाइट इफेक्ट है वो बंद हो जाएगी। तो ये सेल्फी कैमरा की कुछ सेटिंग्स थी जो बताना ज़रूरी था। अब बात कर रहे हैं सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी कैमरा में आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है, इसमें भी आपको फ्लैश का भी सपोर्ट मिल रहा है। आप चाहो तो इसको ऑटो मोड में भी रख सकते हो या ऑन भी कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो। सेल्फी कैमरा में आपको HDR का भी ऑप्शन मिलेगा और AI का भी ऑप्शन मिलेगा। और हाँ, इसमें सेल्फी कैमरा में वीडियो के लिए आप Full HD तक की वीडियो शूट कर सकते हो, इसमें आप 4K तक की वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो पोर्ट्रेट मोड में आप सेल्फी ले सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी लेने के लिए भी इधर एक ब्यूटी का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट हर मोबाइल में ब्यूटी का मोड है वो हमेशा ऑन रहता है। अगर आपको ब्यूटी मोड वाले फोटो पसंद नहीं है तो इसका ऑफ कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर मीडियम सेटिंग पे रहता है। इसमें आप फिल्टर भी डाल सकते हो। इसके बाजू में जो ऑप्शन है वो ब्लर के लिए है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लेते हो सेल्फी तो उसको ब्लर को कम या ज़्यादा इधर से आप कर सकते हो। बाद में जो ऑप्शन दूसरा मिल रहा है वो इधर है इफेक्ट के लिए। आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लोगे तो उसमें आप इधर से सेटिंग्स कर सकते हो और इफेक्ट डाल सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में आपको इधर AI का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में फ्लैश का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो बस यही थे कुछ फीचर्स जो आपको Redmi K20 और Redmi K20 Pro में मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। अगर आपको जानना हो कि इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं Redmi K20 Pro में और स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।